लेकिन अलग है, एकदम अलग है, पहले नहीं आपने बनाई होगी। ये देखिए, ये रेड राइस है और ये जो चावल है पकने में काफी समय लगता है और इसे आप पानी के अंदर भिगो लें। देखिए जो चावल है पॉलिश्ड राइस, वो दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन सेहत के हिसाब से उतना अच्छा नहीं। अगर आपको अच्छा दिखना है तो वो वाला चावल खाएं जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। बात ध्यान देने वाली है कि जो चीजें स्वादिष्ट नहीं होती, दिखने में अच्छी नहीं होती, वो सेहत के लिए क्यों अच्छी होती है? मैं क्या करूं, ऐसा ही कुछ है। खैर, इसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप तेल से बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली खिचड़ी जो है वो घी के साथ में बनती आई है, तो घी इसके अंदर, घी के साथ जीरा, ये लीजिए, इसके साथ साथ काली मिर्च, ये देखिए, उसके साथ साथ दालचीनी, लौंग। अच्छा, खिचड़ी जब घर में बनती है ना तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और एक लेकिन उनकी थोड़ी सी कंप्लेन होती है कि ये जो खिचड़ी है उसमें ये सब चीज़ें क्यों डालनी पड़ती हैं। तो हम समझाते हैं कि भाई नहीं तो बोरिंग हो जाएगी, टेस्ट के लिए डालना पड़ता है। तो कहते हैं कि मुंह में आ जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मानता हूँ, लेकिन खैर अब उन्हें आदत हो गई है। सूखी लाल मिर्च स्वाद के लिए, ओहो हो, ये भी जरा डाल देना बहुत ज़रूरी है। और ये है हींग, ये देखिए हींग मैंने डाली ज़्यादा मात्रा में। उसके साथ साथ करी पत्ते, आहा, ये भी, और सब चीजों को कर लिया मिक्स। और अब बारी है ये रेड राइस डालने की। रेड राइस को अच्छी तरह से भिगो के रखें, ये देखिए, वाह। और जैसे मैंने आपको बताया, ये पकने में ज्यादा समय लेते हैं चावल, और क्योंकि पकने में समय ज्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पानी है वो भी ज्यादा डलेगा, नहीं तो ज्यादा समय तक पकते रहेंगे और पानी सूख चुका होगा, इसलिए इसमें पानी ज्यादा मात्रा है। नॉर्मल जब हम चावल बनाते हैं तो करीब दुगना पानी डालते हैं, जब ये लाल वाला चावल बनाए तो तीन गुना, खिचड़ी बना रहे हो तो करीब 3.5 गुना। ये लीजिए, ये हो गया चावल। चाहे काम करते हैं, इसमें थोड़ा ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं ताकि ये बने स्वादिष्ट, और उसके साथ साथ नमक, नमक स्वाद अनुसार। जब तक उसमें उबाल आता है काम करते हैं, जरा आलू काट लेते हैं, ये आलू के पीसेस, ये देखिए आलू इसके अंदर, और इसके साथ साथ ये मूंग की दाल, बस मूंग की दाल इसके अंदर, बस इसी तरह से इसे कर देते हैं बंद और ढक्कन लगाकर इसको सीटी आने दें, करीब 2-3 सीटी, और फिर इसको आप धीमी आंच पर पकने दें, और जब पक जाए ये पूरी तरह से, इस खिचड़ी को खाएं। लाल चावल की खिचड़ी मूंग की दाल के साथ स्वादिष्ट है, टेस्टी है और हेल्दी ऑफ कोर्स है। रेड राइस खिचड़ी, इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप लाल चावल, 3 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 6 काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्चें, चुटकी भर हींग, 10 करी पत्ते, 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 आलू कटे हुए, 1/2 कप धुली हुई मूंग की दाल पानी में भीगी हुई, और दही आवश्यकता अनुसार। इसे बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में घी गरम करके इसमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, लाल मिर्च, हींग और करी पत्ते डालकर कुछ देर तक भूनें। अब इसमें चावल, 2.5 कप पानी, कटी हुई हरी मिर्च और नमक डालकर इसे उबाल लें। अब इसमें आलू और मूंग दाल डालकर इसे ढककर करीब 10 मिनट तक पकाएं। जब चावल और मूंग दाल पूरी तरह से पक जाएं तब इसे परोसें गर्मा गर्म।